हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे ही मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं आज का व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ। और मैं ना क्या कर रही हूँ, मतलब मैं मॉर्निंग मंदिर से होकर आई हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ मंदिर करके आई हूँ, काफ़ी लोग तो मंदिर होकर आई हूँ, बट हमारे यहाँ करके आई ही बोलता है, मंदिर करके आई हूँ, जाकर आई हूँ, इस तरह से हम लोगों के बोला जाता है। सो मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, अपनी अपनी बोलने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलो, एक दो लोग बोलते हैं सो इसी की वजह से। तो जिसको सभी ब्लॉगर जब भी ब्लॉगिंग करते हैं वो मोस्टली वर्ड से होते हैं, सेम ही होते हैं। मैं नहाकर आई हूँ, शावर लेके आई हूँ, तो इसी वजह से। और जैसे मैं बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलती हूँ। यूट्यूब के लिए मैं अपना बोलने का तरीका तो चेंज नहीं करूँगी। सो अभी मुझे ना कुछ नाश्ता वगैरह, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, वही कपड़े धुलने हैं, और मुझे कुछ नाश्ता बनाना है, सो वो भी मैं बनाऊँगी। सबसे पहले सोच रही हूँ कि कुछ दिया के लिए पास्ता वगैरह या कुछ ऐसा बनाती हूँ, क्योंकि नमकीन वगैरह नहीं है, सो नमकीन खा लेती। अभी 10 बज चुके हैं, सो भूख लगने लगी है, नमकीन वगैरह भी नहीं है, नहीं तो नमकीन खा लेती। बिस्किट वगैरह भी नहीं है, वो भी खा लेती। वैसे उसने अपने पापा से बोला था, वो लेकर नहीं आए रात में, शायद आज अभी लेकर आए, तो बस यही है, वही लेके आएंगे, मैंने बोला है उनसे। कल शायद लेट हो गए थे, इस वजह से नहीं आए थे। क्या हुआ? क्या मीठा वाला मटर में कीड़े नहीं है? कौन से वाले में? पापा लाके रात वो तो फिनिश हो गई है? फिनिश तो कर दी थी आपने, उसको दे दी थी गुन्ना को। वो वाले पापा लाके छोटी छोटी वाली, हाँ वो डिब्बे में लाए थे, वो गुन्ना को नहीं दे दी थी आपने, फिनिश कर ली थी। नहीं गुन्ना नहीं, थैली में लाए थे वो भी फिनिश हो गई। वो तो फिनिश हो गई, मैंने खा ली। सो गाइस अभी दिया आ गई थी, वो मिठाई की पूछ रही थी, तो वो मिठाई तो फिनिश हो गई है इसकी वजह से। और अभी दिया नहाई नहीं है, नहाएगी। सो अभी दिया नहाएगी और नहा के फिर वो ब्लॉगिंग करेगी, बोल रही थी करने की, तो अभी नहाने जाएगी। और अभी मुझे मिले थे फूफा ससुर और बुआ जी, सो वो गए थे मंदिर करके, मैंने नहीं देखा था उनको, क्योंकि मैं गेट नहीं खोल के रखती हूँ, और गेट वगैरह नहीं खोल के रखती हूँ, सो गेट बंद ही रहते हैं मेरे मोस्टली। तो वो निकल के गए, मैंने देखा नहीं। जैसे ही मंदिर जाने के लिए निकली, वो मिल गए, तो मैंने उनसे बात वगैरह करी, तो मैंने बोला फूफा जी घर पे चलो। सो बोल रहे थे कि अभी मुझे फिरोजाबाद जाना है, उसके बाद वो लौट कर आएंगे। सो इसी वजह से वो थोड़े से काम के, वैसे हमारे जो चाचा दादा ससुर थे, कल उनका शांति पाठ था, सो शांति पाठ से होकर आए थे इसकी वजह से। तो अब आज हमारे मंदिर में पूजा वगैरह होना स्टार्ट हो गई है, सो मंदिर की सफाई वगैरह भी मुझको करनी है। वैसे मंदिर तो मैं होकर आ चुकी हूँ, तो चलिए अभी हस्बैंड भी नहीं आए, हस्बैंड गए हैं नहा धोकर मंदिर, शायद वो दुकान चले गए सीधे मंदिर से। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वैसे मैंने आप लोगों से बातें पूछ ली हैं, तो मैं यहाँ पर मंदिर से आ गई हूँ और मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और एक भी अपडेट मिस ना हो पाए। और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। कई लोगों ने मुझे बताया दीदी आप चैलेंज वीडियो बनाओ, तो वो मैं जल्दी से ही बनाने वाली हूँ, आप चिंता मत करिए। वैसे मैंने गोलगप्पा चैलेंज वीडियो बना चुकी हूँ, चाउमिन चैलेंज वीडियो बना ली है मैंने, बस मेकअप चैलेंज नहीं बनी है। और अगर तो आपको दोबारा चाह रहे हो कि दोबारा बनाऊँ, तो वो भी मैं बनाऊँगी।
सो यहाँ पर मैं ना एक तरफ सैमरी को बना रही हूँ और मैंने एक तरफ दाल को भंगो के रख दिया है, और मैंने एक तरफ है ना पास्ता उबाले हुए हैं, मैं बनाऊँगी पास्ता, दिया बोल रही थी। सो मैं पास्ता बनाऊँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर सैमरी रोस्ट कर रही हूँ। जो सैमरी है ना, ये सैमई उसको है ना मेरे पापा लेकर आए थे, सो वही वाली सैमई है, आप लोगों ने देखा होगा किसी व्लॉग में। सो मैं इसको रोस्ट कर दे रही हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो जल्दी से। सो गाइज़ आप पूरी वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरी 8K की फैमिली हुई है। सो उसके लिए दिल से थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया और लाइक किया है, शेयर किया है, सो थैंक यू। और काफ़ी लोग तो मेरे साथ मतलब बहुत स्टार्टिंग से हैं, बहुत स्टार्टिंग से, ऐसे गीता मीना है, रिद्धि राय है, और क्या बोलते मतलब कुशम बुद्धा करके है यहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे ना पास्ता मेरा रेडी है बनने के लिए, तो मैं यहाँ पर है ना उसको फ्राई करूँगी। तो मैं सिंपल सा ही फ्राई करती हूँ, आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है। तो यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है, उसके बाद मैं जीरा डाल दिया है, यहाँ पर मैं डाली हूँ राई, छोटी वाली राई जो आती है वही मैं यहाँ पर डाली हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं टमाटर, और अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया पाउडर, और फिर मैं यहाँ पर इसको टमाटर को चला लूँगी अच्छी तरह से। और इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल वे में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, मेरी जो हींग थी ना वो खुल नहीं रही थी, उसको मैं सेट करके उसी में वापस से रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं मैगी मसाला पकड़ी हुई हूँ हाथ में, सो मैगी मसाला भी ऐड करूँगी, और ये थोड़े से मैं खुद खाऊँगी, थोड़े से दिया खाएगी, थोड़े से मैं ना जो भाभी रहती है मेरे साथ उनको दे दूँगी, क्योंकि जब भी वो कोई नई चीज़ बनाती हैं तो मतलब मुझे देती हैं, और मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं उनको देती हूँ। सो यहाँ पर मैं टमाटर को अच्छी तरह से पीस रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं जो पास्ता मेरे बॉयल हो गए थे मैं उनको डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से पिस गए हैं, और अब उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से चलाऊँगी। और बस यहाँ पर वही है, मैं अच्छी तरह से मसाले करने के बाद उसे मिला दूँगी। तो यहाँ पर मेरे ना जो टमाटर थे वो हो गए हैं, और जब मैं कल घर से आई हूँ ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है ससुराल में, मतलब यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस मैं वहीं पर चली जाऊँ और वहीं पर रहूँ। बट ना एक लड़की शादी के बाद ना मतलब फंस सी जाती है, ना तो वो ससुराल की रहती है ना वो मायके की रहती है। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी, ना तो मैं ससुराल की क्योंकि ससुराल वालों ने ऐसा करा, और मम्मी पापा के पास रहूं तो अगर मैं उनके पास रहती हूं तो मम्मी पापा मुझसे कह तो नहीं पाते, लेकिन उनका दुख मुझे दिखता है कि वो मेरी वजह से कितना दुखी है, मेरी चिंता वो कितना करते हैं। लेकिन लड़के वालों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की कितनी भी दुखी हो उनको ना ये फ़र्क पड़ता है कि लड़की के माँ बाप कितने दुखी हैं हम लोगों की वजह से। अगर हमारी बहन होती, हमारी बेटी होती तो कितना महसूस होता, ये सब उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मतलब मुझे बुरा लगता है कि मैं अपनी मम्मी पापा की ना मैं मायके की रही हूँ ना ससुराल की, ओके मायके वाले मम्मी पापा को मैं दुखी बिल्कुल नहीं देख सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे मायके में कोई भी कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मेरे पापा हैं। और उनके पास मैं चली जाऊँ तो मतलब मैं उनका मुझे दिखता है कि पापा बीमार रहते हैं, उनको शुगर है। सो यहाँ पर मेरे पास्ता बन गया, तो आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है ना क्या हो रहा है कि अभी है ना आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, और मैं आई हूँ कपड़े वगैरह वॉश करके डाल के आई हूँ, और मैंने आटे को लगा दिया है, और मैंने बनाई है दाल। सो दाल बनाई है मैंने, क्या बोलते, काली वाली, और यहाँ पर दिया पता है कहाँ है, छत पर है दिया। तो मैं जा रही हूँ, आप लोग को आ गई क्या? दीयू आ गई, देख लेके आई है, बाबू आ गई, देखो हाय करो, दीयू आ गई है, चलो छत पे चले, यहाँ पे रखती रहे। मैंने बेटू दीयू से कहा था, दिया ऊपर से रेक ले आना बर्तन मांजने वाली, सो दिया लेके आ गई है। ओहो चल आ जाए ऊपर, चल रहा है। सो अब बनाइए दिया वीडियो, तो दिया को मैं दे दे रही हूँ फोन, दिया बनाएगी अब, है ना। दिया ने नन्ही कर लिया, और दिया चलो ऊपर ऊपर पकड़ूंगी। सो दिया खाली है, और दिया ना ऊपर क्या कर रही थी आप अभी? बैठी थी मैं बता रही थी मम्मी को। तो मम्मी ने ना चले ना उस छत पे डाले, मम्मी मम्मी
छत पे क्या दिया ना, चने चने डाल के आई थी, सो वो है ना बंदर खा रहे थे, तो दिया बता रही थी है ना, उसमें कीड़े वगैरह हो गए थे, सो भाभी ने डाले हैं छत पर। अब मैंने तो कीड़े को फेंक दिया, मम्मी ने फेंक दिया। अच्छा तो चलिए फिर, खाना भी खाया नहीं है, पास्ता खाए थे, वही सबने खा लिए थे, भाभी वगैरह ने, मैंने और दिया ने। हाँ इतने कच्चे तो गाइस आज की छत पे आ गए, तो ये देखिए दिख रहे हैं ना, ये चार चार कपड़े हैं ना, ये तो हमारे ये तो उनके ना, मामी को दिखाती हूँ, ये मामी अभी गेहूं है, गेहूं चना, ये तो चना है, और ये देखिए बंदर, ये बंदर क्या का चाका चार है बंदर, दिखाओ ना तुम, दिखाई नहीं रही बंदर को, देखो हैं ये भी बंदर, पीछे से देखा ये जी दिख रहे ना बंदर, देखो पकड़ना फोन मम्मी, ये काई पर देख के क्या हुआ, तो गाइस यहाँ पर है ना, मैं ना दिया है ना मस्ती कर रही थी, आप लोगों के साथ व्लॉग बना रही थी, और यहाँ पर है ना भाभी ने चने डाले थे छत पर सूखने के लिए, जो कि है ना क्या था मतलब उसमें काफ़ी उड़ने वाले कीड़े हो गए थे, सो भाभी ने ऊपर डाल दिए थे, और छत पर काफ़ी बंदर आ रहे थे, सो इसी की वजह से, और माइंड मत करना दिया है मेरे पास, उसे खांसी हो रही है, और आप लोगों को पता सीज़न चेंज हो रहा है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ पर दिया ब्लॉगिंग कर रही है और आप लोगों से बातें कर रही है, तो आप लोग बताना दिया की ब्लॉगिंग कैसी है, मुझे तो बहुत हंसी आती है कि वो ब्लॉगिंग मतलब मेरी कॉपी करती है, एक्चुअली मैं ये मम्मा मैं ये कर रही हूँ वो सब कर रही हूँ, आप बताना कि आपको कैसी लगती है कमेंट करके, तो एंड में मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड करी है दिया की, तो आप लोग पूरी वॉच करना, और आई होप मेरी बेटी बहुत बड़े होकर एक्टिव बने और कुछ ना कुछ नाम कमाए, जैसे मैं नहीं कर पाई वो बेटी करे, तो गाइज मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ, आगे की वीडियो आप लोग देखना दिया के साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मम्मी फोन गिरेगा नहीं, तो गाइज हम चीने में आ गए, हम तो नीचे जा रहे हैं, तो आप तो क्यों जा रहे हैं, हम तो बाबा पास था, तो उसको गाइज मैं फोन पकड़ के ले जाऊंगी, अब आज की सात ही हो ले ना, उसे सात उसे बाबा तो जा।